मैं खुशी हूँ आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। प्रियंका चहार चौधरी भड़कती हुई नजर आई अंकित पे और ये बात बोली कि भाई तुम अपना देखो। चलिए आप लोगों को बताते हैं बिग बॉस 16 के घर से जुड़ी हुई ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस प्रियंका और अंकित को जो है आजकल थोड़ा अलग से देखा जा रहा है। आप लोगों ने एपिसोड में भी देखा होगा जहां पर प्रियंका ये बात बोलती है कि भाई मैं इसको बार बार समझा नहीं सकती क्योंकि ये भी एक एज अ कंटेस्टेंट है, ये खुद अपने इंडिविजुअली जो जो डिसीजन है वो खुद ले सकता है। मैं बार बार ऐसा उसको बोलूंगी तो वो अच्छा नहीं लगता है, वो खुद एक अकेला आया है और अकेला एक ऐसा कंटेस्टेंट है। ये काफी बार ये बातें सुनने के लिए मिली है प्रियंका के मुंह से। इसी बीच में एपिसोड में भी ये बातें सुनने के लिए मिली है। आज फिर जो है प्रियंका कहीं ना कहीं जो है अंकित से नाराज है, थोड़ी बहुत नाराज है, पर वो ऐसी नाराजगी है कि वो ये चाहती है कि अंकित अपना करे, कि मैं भी एक कंटेस्टेंट हूं और वो अपना करे, नहीं तो लोग जो है जैसे कि शिव है वो बार बार ये बात बोलते हैं तो पोपट है पोपट है पोपट है, तो ये सब टैग आखिरकार अंकित के नाम पे क्यों लगे। इसीलिए जो है प्रियंका ने अपने आप को थोड़ा सा जो है अंकित से अलग कर लिया है और अंकित को वो ये बात बोलती हुई नजर आई कि देख अंकित प्यार मोहब्बत जो है वो एक तरफ है, मैं तुझे रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं तुझे प्यार करती हूँ, वो एक तरफ है, पर यहाँ पर हम दोनों अलग अलग आए हैं, इंडिविजुअल आए हैं और तू एक एज अ कंटेस्टेंट है, मैं भी एक अलग कंटेस्टेंट हूँ, ठीक है। जो भी कुछ घर में होता है कैसा भी होता है मैं तुझे बार बार समझा नहीं सकती कि ये है वो है ऐसा है वैसा है, तुझे खुद के डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर तुझे कोई कुछ बोलता है तो तुझे खुद ही उसके लिए लड़ना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, मैं वो चीजें समझा नहीं सकती, तुझे अपना देखना पड़ेगा। ये बातें जो है प्रियंका कहती हुई नजर आई है। और मैं अगर बात करूं इसकी प्रियंका की मुझे कैसी लगी है तो मुझे बहुत ही सही लगी है कि भाई प्यार से समझा के देख लिया है अंकित को। अभी अंकित के अच्छे के लिए प्रियंका जो है उससे दूर होने का डिसीजन ले चुकी है इसी घर में कि भाई तू अपना खेल, क्योंकि लोग जो है उसको पोपट बोल रहे हैं और प्रियंका को अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है कि अंकित को पोपट बोला जा रहा है। पर अंकित ने जिस तरीके से शिव ठाकरे को जवाब दिया कि मैं अगर ऐसा पोपट हूं तू तो शालिन का पोपट है, तू तो अब्दू का है, तू तो साजिद का है, तू तो एमसी स्टैन का है, तू तो सबका पोपट बना हुआ है, वो जवाब मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इसीलिए अंकित को बोला जाता है वन लाइनर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।